इन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रोज ग्वायर में, और मैं सताक्षी साई आज फिर से उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश का भाग तीन लेके। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश स्थित महत्वपूर्ण मध्यकालीन इमारतों के बारे में। जामा मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाया गया सांभर में। मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर ने बनवाया सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया सिकंदरा आगरा में। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया आगरा में। दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया आगरा में तथा दिल्ली। जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया आगरा में। आगरा का किला अकबर ने बनवाया आगरा में। ताजमहल शाहजहां के द्वारा आगरा में। जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा आगरा में। लाल दरवाजा मस्जिद मोहम्मद शाह ने बनवाया जौनपुर में। जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी ने बनवाया जौनपुर में। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया जौनपुर में। इंजरी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया जौनपुर में। जामा मस्जिद अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी। इस्लाम खां का मकबरा अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी। खास महल अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी। बीरबल महल अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई महल अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप के बारे में। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तथा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा स्टेट है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है तथा विश्व के 5 ऐसे देश हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। इसमें मिसप्रिंट हो गया, इसे ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण इन चट्टानों का विंध्य क्रम की चट्टाने कहा जाता है। आद्यकाल से निर्मित नीस शैलों को बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काप मिट्टी के निक्षेपों को बांगर और नवीन निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पुरानी मिट्टी है उसे बांगर तथा जो नई मिट्टी है उसे खादर कहा जाता है। नई मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है जो बाढ़ के साथ आती है, इसीलिए उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी कि वो जल को ओढ़े हुए आती है, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। और जो पुरानी मिट्टी होती है वो पीछे की तरफ खिसक जाती है तो उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। यानी कि नदी से जिनकी दूरी थोड़ी ज्यादा होती है वो बांगर होता है और जिनकी दूरी पास होती है वो खादर मिट्टी होती है। बांगर क्षेत्र पुरानी मिट्टी के उस क्षेत्र को कहते हैं जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, यही मिट्टी उर्वरक नहीं है। खादर मिट्टी क्षेत्र वह निचले क्षेत्र हैं जहां पर नदियों का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करता है। खादर क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में प्रवाहमान समुद्री निक्षेप से हुआ है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार का कुल क्षेत्रफल 45,200 किलोमीटर है। कैसूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्यन शैल से हुई है। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बुंदेलखंड में प्लास नामक घास बहुतायत पाई जाती है। वर्षा का मध्य मात्रा होने के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियां छोटी होती हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। तराई क्षेत्र में यह गर्मी में नमी लिए रहती हैं और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी ना मात्र की भी नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु पर स्थलखंड की विशालता, धरातलीय विषमता, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ की जलवायु में अंतर पाया जाता है। इन सभी विषमताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में अधिकतम औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के अति निकट होने के कारण यहाँ प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। मई जून में तीव्र गति से चलने वाली पश्चिम हवाओं को लू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त महीने में होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। प्रदेश में अरब सागर से उठे मानसून से नाम मात्र की वर्षा होती है। जनवरी माह में पाला पड़ता है तथा कोहरा छाया रहता है। जनवरी व फरवरी माह में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों से उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 डिग्री सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कभी कभी वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं। देश की कुछ प्रमुख नदियों को एक दृष्टि में, नदी का नाम तथा उद्गम स्थल यानी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है और कितनी लंबाई है। पहला गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है और इसकी कुल लंबाई जो है ये 2994 है और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इंडिया की मानी जाती है। यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और यह गंगा में मिलती है, 1385 किलोमीटर इसकी लंबाई है। घाघरा, माप चाचुंगो नेपाल तिब्बत से निकलती है, गंगा में मिलती है, 1080 इसकी लंबाई है। चंबल, जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, यह यमुना में मिलती है और इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। सोन, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा में मिलती है और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। नेपाल से निकलती है, घाघरा में मिलती है, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। रामगंगा, लघु हिमालय नेपाल से निकलती है और इसकी लंबाई 600 है, यह गंगा में मिलती है। बेतवा, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, यमुना में मिलती है और 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंध, नैनवास टोक राजस्थान से निकलती है, यमुना में मिलती है, 416 किलोमीटर इसकी लंबाई है। केन, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, यमुना में मिलती है, 308 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तोस, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मिलती है और 265 किलोमीटर है। शारदा, ये हिमनद कुमायूं उत्तराखंड से निकलती है और घाघरा यानी सरयू में मिलती है और इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है। देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। कीथम झील आगरा में स्थित है, टंडावरी ताल मिर्जापुर में स्थित है, करेला मोहना लखनऊ में स्थित है, मूंगे ताल व बिसैया रायबरेली में है, बेती तथा नैया प्रतापगढ़ में है, राजा का बांध लोधी ताल व भोजपुर सुल्तानपुर में स्थित है, मोती और गौर रामपुर में स्थित है, कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है, बलहा पारा कानपुर में है, मोराय फतेहपुर में है, औंधी ताल वाराणसी में स्थित है। की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगरों को देखते हैं। गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और गाजीपुर जैसे शहर स्थित है। गंगा यमुना संगम पर इलाहाबाद, यमुना पर सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर, गोमती नदी लखनऊ, सरयू नदी अयोध्या, रामगंगा बरेली। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध देखते हैं, किस नदी पर स्थित है और कौन से जिले में स्थित है। तो माता का टीला बेतवा नदी पर स्थित है और जिला झांसी में। गोविंद पल्लव पंत सागर रिहंद बांध भी इसको कहते हैं, यह रिहंद नदी पे है स्थित है, सोनभद्र जिले में। परीक्षा बेतवा नदी डिस्ट्रिक्ट झांसी में। कालागढ़ रामगंगा नदी झांसी में। गोविंद सागर सहजाद नदी ललितपुर में। रोहिणी नदी ललितपुर में। सुकुमा डुकुमा बेतवा नदी झांसी में। चंद्रप्रभा चंदौली में। मुस्काहंद करमनासा नदी चंदौली में। काठी रामगंगा बिजनौर में। रामगंगा नदी पर बिजनौर में। जिरको नदी मिर्जापुर में। जामनी नदी मिर्जापुर में। जामनी ललितपुर में। सजनाम में ललितपुर में। तो देखिए काफी मिलता जुलता नाम और रिवर्स के नेम दिए हुए हैं, तो इसको आसानी से याद कर। वैसे जो ये नीचे के नाम्स दिए हुए हैं वो एग्जाम में पूछते नहीं है, ये जो ऊपर दिए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऊपर माता टीला, गोविंद वल रिहंद और कालागढ़, गोविंद सागर, इन सबको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग।
देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कृषि से। कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। प्रदेश के कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत 66 है, यानी कि उत्तर प्रदेश के में अब मैक्सिमम जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश का अफीम के उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री उपस्थित है। खेती को व्यवहारिक स्वरूप करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम को व्यवहार में लाया गया है। प्रदेश में वर्ष भर में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती हैं। रबी की फसल अक्टूबर से अप्रैल तक, खरीफ की फसल जून से सितंबर तक, जायद की फसल अप्रैल से जून तक। गेहूं के उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है। जौ के उत्पादन में प्रदेश का दूसरा स्थान है। सरसों के उत्पादन में प्रदेश का दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है। देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र लखनऊ का आम, सहारनपुर में आम तथा आगरा में आलू है। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है। शाहजहांपुर फर्रुखाबाद में सर्वाधिक उत्पादन अमरूद का होता है। बाराबंकी में अफीम का उत्पादन होता है। कन्नौज में पुष्प से इत्र बनाया जाता है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री उपस्थित है। प्रमुख फसलें की बात करें तो खाद्यान्न फसलें गेहूं, चना, जौ, चावल, मक्का तथा बाजरा है। नगदी फसल यानी कि कैश क्रॉप, जिससे डायरेक्ट हमें पैसे मिलते हैं, कपास, अलसी, मूंगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसों तथा तंबाकू है। मुजफ्फरनगर, इटावा, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा व मैनपुरी जिलों में उगाई जाती है। गन्ना गोरखपुर, देवरिया, मेरठ में उगाई जाती है। चावल सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, जय प्रकाश नारायण नगर, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ व बलिया में उगाई जाती है। तंबाकू की खेती मेरठ, एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी तथा इटावा में की जाती है। कपास कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा व अलीगढ़ में की जाती है। पटसन की खेती देवरिया व गोरखपुर में की जाती है। होने वाले प्रमुख फल देखते हैं। आम, अमरूद, संतरा, माल्टा, नींबू, लीची और सफतालू। और कहां कहां कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, आइए वो भी देख लेते हैं एक नजर में। आम की खेती लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर व हरदोई में की जाती है। संतरा सहारनपुर में, माल्टा मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर में, नींबू सहारनपुर मेरठ में, अमरूद इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, बरेली व फैजाबाद में, लीची सहारनपुर मेरठ में, सफतालू सहारनपुर मेरठ में। आज हम यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर खनिज से हम उत्तर प्रदेश भाग 4 में फिर से मिलेंगे और फिर से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।